कि आज हम आपको बिल्कुल नई तरह का नाश्ता बनाकर दिखाएंगे। जो हमने गोभी से नाश्ता बनाया है ये बहुत टेस्टी नाश्ता लगता है और बहुत क्रिस्पी है। देखिए कितना करारा नाश्ता है ये हमारा। आवाज सुन सकते हैं आप इसे, आप इसे थोड़े शाम तक भी खा सकते हैं। देखिए हम इसे तोड़ के दिखाते हैं आपको। देखिए अंदर तक हमारा पक गया है नाश्ता। कितना टेस्टी नाश्ता बना है। आप इसे लंच में भी ले जा खा सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं। अगर बाहर घूमने जा रहे हैं तब भी आप इसे बनाकर ले जा सकते हैं। ये नाश्ता खराब भी नहीं होगा आपका। आप इसे दही के साथ, चाय के साथ, कहीं के साथ भी खा सकते हैं। और हमने इसे चटनी के साथ सर्व करा है। ये नाश्ता बहुत टेस्टी लगता है खाने में। और देखिए हमारा रेसिपी किस तरह से बनाया जाता है, चलिए हम बनाते हैं। नमस्कार दोस्तों, कंसल रसोई में आपका स्वागत है। आज हम आपको बिल्कुल नए तरह का नाश्ता बनाकर दिखाएंगे। देखिए हमने गोभी ले ली है, गोभी बहुत आ रही है, इसको हमने धो लिया अच्छे से। इनके हमने टुकड़े कर लिए हैं। ये हमारी एक गोभी का फूल है। देखिए हमने अलग टुकड़े कर लिए, धो लिए बिल्कुल। और हम इसे कद्दूकस करेंगे। हमने प्लेट ले लिया, कद्दूकस ले लिया, ये बिल्कुल बारीक वाला ग्रेटर लिया है हमने। उसमें देखिए इस तरह से हम कद्दूकस करेंगे। ये बच जाएगा, इसे आप सब्जी में बनाने में डाल सकते हैं, सब्जी में यूज कर सकते हैं इसको। देखिए इस तरह से हम कद्दूकस करेंगे, सभी बारीक बारीक फूल इस तरह से ले लेंगे, इस तरह से कर लेंगे। हमने सभी गोभी को अच्छे से कस लिया है। देखिए बिल्कुल बारीक हो गई है। देखिए हमने हरी मिर्च, अदरक और प्याज काट ली है। देखिए हमने बारीक अदरक को चॉप कर लिया है, हरी मिर्च को बारीक काट लिया है और प्याज को भी हमने बारीक काट लिया है। देखिए गाजर ले ली हमने, इसको हमने छील लिया है और इसको भी हम कद्दूकस कर लेंगे, अच्छे से धो लिया है। गाजर भी गोभी भी इस टाइम बहुत आ रही है, आप नई नई तरह से बना सकते हैं, नए नए तरह के नाश्ते बना सकते हैं आप इससे। देखिए हमने गाजर को भी अच्छे से कद्दूकस कर लिया है और सब चीज़ को मिक्स करेंगे। देखिए एक बाउल ले लिया हमने, इसके अंदर हम सम्भारना डाल देंगे। सब गोभी जो हमने कसी दी है, गोभी के फूल को डाल देंगे। बाउल में हमने अपनी गोभी डाल दी है, इसमें हम प्याज डाल देंगे जो हमने बारीक बारीक कट कर रखी थी। हरी मिर्च को भी डाल देंगे, एक हरी मिर्च चाहिए हमें। अदरक को भी डाल देंगे इस तरह से। ये नाश्ता हमारे एकदम कलरफुल बनकर तैयार होगा। देखिए गाजर भी हम डाल देंगे। देखिए सभी सामान हमने एक बाउल में कर दिया है। तो इसमें हम एक कप आटा डालेंगे। देखिए एक कप हम बेसन डालेंगे, कप से कम कुछ कॉर्न फ्लोर डालेंगे। आप इसमें चावल का आटा भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप इसमें सूजी पीस के भी डाल सकते हैं। अब इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। देखिए लाल मिर्च पाउडर डालेंगे इसमें, आधे चम्मच जीरा डालेंगे, हींग डालेंगे, आधे चम्मच से कम हल्दी पाउडर डालेंगे, स्वाद अनुसार आप नमक डालेंगे इसमें, एक चम्मच नमक डालेंगे। इसमें हम ये दो चम्मच नींबू का रस डालेंगे, इसे टेस्ट अच्छा आएगा हमारे नाश्ते में। देखिए काली मिर्च डालेंगे एक पिंच, हम अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। आधे चम्मच गरम मसाला ऐड करेंगे। अभी सभी चीज़ को मिक्स करेंगे आपस में। हमें इस बैटर को रखना नहीं है बिल्कुल भी। ये धनिया पत्ती डालेंगे हम, ये हमने काट के धोकर रख ली थी पहले से। ये नाश्ता बहुत टेस्टी लगता है। हम ओरिगैनो डालेंगे इसमें आधे चम्मच, चिली फ्लेक्स डालेंगे आधे चम्मच, अब सभी चीज को अजवाइन डालेंगे हम हाथों से क्रश करके। इससे खाना डाइजेस्ट हो जाता है नाश्ता हमारा। देखिए सब मिक्स कर लेंगे हम। अभी इसमें पानी नहीं डालने के, क्योंकि गोभी में पानी बहुत होता है। देखिए सभी मसाले हमारे अच्छे से मिक्स हो गए हैं, ये बहुत टेस्टी नाश्ता लगता है। और इसमें दो चम्मच हम पानी डालेंगे, अच्छे से हाथों से मिक्स करेंगे। पानी हमें एक साथ ज्यादा नहीं डालना है, क्योंकि इन सब्जियों में खुद ही पानी होता है, प्याज में भी पानी होता है, गाजर में भी। हम दो दो बूंद पानी डालेंगे सिर्फ। देखिए हमारा बैटर तैयार हो गया बिल्कुल। हमारा चार चम्मच पानी डला है इसमें। हम
हमारा बैटर तैयार हो गया है बिल्कुल टाइट टो। हम इसे इस तरह से हाथ में लेंगे, ना इसकी हम पकौड़ी बनाएंगे। देखिए इस तरह से हम हल्का सा ऑयल हाथ पे लगाकर, देखिए इस तरह के आकार देंगे हम। आप बड़ी या मोटी जिस तरह की बनाना चाहें बना सकते हैं। देखिए कितना अच्छा कलर आया है, हम इन्हें इस तरह से बना कर रख लेंगे। इस तरह से हमने गोल गोल टिक्कियाँ बना ली हैं, देखिए कितनी अच्छी बनी है। देखिए हमने सभी टिक्कियों को तैयार कर लिया है, हमारी सभी टिक्कियाँ तैयार हो गई हैं। हमने ऑयल रख दिया गैस पे गर्म करने के लिए। आप इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं, शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। हम इसे शैलो फ्राई करेंगे। देखिए हमने बहुत कम तेल में इनको तलेंगे। देखिए हमारा ऑयल गर्म हो गया है, इस तरह से हम ऑयल में छोड़ देंगे। ये नाश्ता बहुत टेस्टी लगता है, नाश्ते को आप सुबह में बच्चों को लंच में दे सकते हैं, नाश्ते में खा सकते हैं, दोपहर को बना सकते हैं इस नाश्ते को। और आप सफर में जा रहे हैं तो भी बना कर जा सकते हैं। नाश्ता शाम तक भी आपको ख़राब नहीं होगा और ना ही सॉफ्ट होगा, बिल्कुल क्रिस्पी रहेगा। ये हमारे टिक्कियों को कितना अच्छा कलर आया है, हमें मीडियम आँच पर सेकनी है ये बिल्कुल गोल्डन होने तक। दोनों तरफ से हम क्रिस्पी सेक लेंगे और ये खाने में बहुत टेस्टी लगती हैं, बहुत जल्दी बन जाती हैं। आप इस तरह से गोभी की रेसिपी बना सकते हैं। देखिए हमने दोनों तरफ से पलट दिए, दोनों तरफ से हमारी क्रिस्पी लाल हो गई है। ये नाश्ता बहुत टेस्टी लगता है खाने में। देखिए क्रिस्पी लाल सीख गई है हमारी टिक्कियाँ, कितना करारा बनाया है, कितनी अच्छी कलर सीख गया है। हम उतार लेंगे बिल्कुल गोल नहीं। ऑयल को निचोड़ के निकाल लेंगे, इस तरह से हम सभी टिक्कियों को उतार लेंगे और तैयार कर लेंगे। हम दिखाएंगे फिर आपको सर्व करके। देखिए हमारा गोभी का नाश्ता बनकर तैयार है। देखिए कितनी टेस्टी नाश्ता बनाया है हमारा। ये हमने इसके साथ हरदनी की चटनी बनाई है, ये ऊपर से हमने इसके ऊपर जीरे से सर्व करा है। देखिए कितनी टेस्टी हमारी चटनी बनी है, ये हम चटनी के साथ आपको खाएंगे तो बहुत टेस्टी लगेगा ये नाश्ता। चटनी के लिए हमने अपनी कंसल रसोई में डाल रखी है, आप देख सकते हैं। ये नाश्ता बहुत टेस्टी बनता है, बहुत जल्दी बन जाता है, बहुत अच्छा लगता है। आप इसे लंच में बना सकते हैं, अगर आपके मेहमान आए घर पर तब भी बनाकर खिला सकते हैं। आपसे पूछेंगे कि किस चीज़ का बनाया है, बता नहीं पाएंगे, आपकी तारीफ करेंगे। आप इस तरह से नाश्ता हमारा बनाएं और खाएं, सबको खिलाएं। हमारे वीडियो को शेयर लाइक कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, नई नई हमारी वीडियो देखते रहें। धन्यवाद।